subscribe and press the bell icon for more updates. आज मैं एक बहुत ही यूनिक फास्ट फूड जॉइंट इनॉग्रेट करने आई हूँ जिसका नाम है एग्सप्लोर। इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि एग से रिलेटेड मैंने देखा कि बहुत इंटरेस्टिंग डिशेज है आपके पास में। कोई राजस्थानी डिश भी है राइट? राजस्थानी महफिल या राजस्थानी महफिल लाइक वाओ दिस इज एक्साइटिंग। जो एग लवर्स हैं उन लोगों के लिए तो बहुत सारे सरप्राइजेज रखे हुए हैं आपने एंड इट्स अ वेरी हेल्दी फास्ट फूड जॉइंट। अदरवाइज ऐसे हेल्दी ऑप्शंस मिलते नहीं हैं आमतौर पे। So I'm glad I'm here. Explore हमने शुरू किया because of हम लोग देख रहे हैं कि आज प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। और एक ही मोटो था कि मतलब एग डिशेस के लवर काफ़ी हैं और हमको एक ही कम मिले कि हम लोग लाइक वी कैन लाइक प्रोवाइड द एम्बियंस गुड फूड एंड हाइजीनिक फूड बेसिकली। और यहाँ पे आदमी पर्सन जो भी आकर के इंजॉय कर अपनी फैमिली के साथ में। दैट वाज द मेन मोटो इन दिस बिहाइंड दिस थिंग। आप लोग ने एक तो इसे इको फ्रेंडली बना रखा है ना, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग कि आप एग्स बनाएंगे, ऑमलेट्स बनाएंगे दैट टू ऑन एन इंडक्शन प्लेट। आई हैव नेवर सीन दैट, सो दैट्स क्वाइट यूनिक। सो आवर कंपनी इज द ओनली कंपनी इन द कंट्री हु इज डूइंग एग्स ऑन इंडक्शन एक्चुअली एंड सो ऑल द इंडक्शन कुकटॉप्स आर डिजाइंड बाय अस। सो वी हैव बीन मेकिंग दिस ऑन आवर ओन and we are absolutely eco-friendly. There is no fuel used and all the entire cooking is being done. अगर देश के सभी स्टोव बदलकर इंडक्शन प्लेट पर आ जाएं तो definitely अब बहुत ज़्यादा pollution कम होने वाला है। And Eggsplore also has a range of dishes, so we make 80 plus dishes only with eggs, and we have a range of soups, starters, salads, pastas, pizzas. And we have rice, everything. Tawa, rice, everything. That's really interesting. मैं भी जाके अंदर आपका मेन्यू एक्सप्लोर करने वाली हूँ। एक्सप्लोर। बेसिकली थी। We are glad that she is here. She is an idol for each and every ladies in the country. The way she acts, the way she is presenting herself on screen is really an idol for each and every lady in the country. Off screen also, and we are glad. We hope that each and every lady of the country follow her, so that each and every family would be stabilized.